हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर शो सक्सेस का संदेश। तो आज हमारे साथ है भार्गव सर। ये बेसिकली एक डांसर है और एक कोरियोग्राफर है। तो आज इनके बारे में हम जानेंगे। ये डांस प्लस जाके आ चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी जर्नी काफ़ी हार्ड और काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपने अपना पैशन कहाँ फाइंड किया डांस का? डांस एक प्रोफेशन है, तो वो एक फाइंड करनी पड़ती है चीज़। तो आपने कैसे फाइंड किया? अभी बचपन में ऐसा था कि मेरे को खुद को नहीं पता था कि मेरे को क्या करना है। बट एक होता है कि डैडी का एक सपना था कि मेरा बेटा मतलब लाइक हर चीज़ में एक्टिव रहे। तो उन्होंने दो चार चीज़ें लाइक जैसे कराटे हो गया, डांसिंग हो गया, स्केटिंग हो गया, तो ऐसा अलग अलग एक्टिविटीज़ में डाला था। बट ये तीनों जगह जाने के बाद सबसे ज़्यादा एक होता है ना कि मुझे कहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो लाइक कराटे भी मैंने प्रॉपर किया, डांसिंग भी किया, बट उसके बाद जहाँ पे मुझे लगा कि मैं ये चीज़ को ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ तो वो था डांस। तो वहाँ से लाइक ऐसा हुआ कि नहीं, अब करना है तो डांस करना है ऐसा। कौन सी एज में डिसाइड? लाइक मैं चालू किया था, 4 साल का था तब से डांस लाइक चालू किया था। देन कुछ टाइम के बाद मुझे प्रॉपर ऐसा सीखते हुए लाइक 1 साल जैसा हो गया था, लाइक सीख लिया था। बट उसके बाद लगा कि नहीं, अभी ये तो कंटिन्यू करना ही है ऐसा करके। तो लाइक पढ़ाई भी चलती थी एंड डांस भी चलता था। फिर आप डांस प्लस जाके आ चुके और वहाँ पे परफॉर्म किया है आपने, तो मतलब क्या जर्नी रही? आप किस टाइम आपको लगा कि जाना चाहिए, आप प्रिपेयर्ड हो? और मेरी लाइफ का लाइक जर्नी बहुत लंबी है, बट अभी मैं आपको एक शॉर्ट में समझा देता हूँ कि जब बचपन में मैं सीखता था एंड तब मेरा ऐसा थॉट नहीं था कि इधर जाना है इधर जाना है ऐसा। बस मुझे था कि मैं पहले प्रॉपर सीख लूँ, उसके बाद चीज़ें अपने आप आएगी। देन वहाँ से लाइक डांसिंग स्टार्ट किया। बहुत सारी ऐसी पहले छोटी छोटी कॉम्पिटिशन्स हुआ करती थी, लाइक जैसे नॉर्मल अपने जैसे सूरत में लोकल कॉम्पिटिशन्स होती है तो स्कूल में होती है, तो वैसे बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स में जाता था, खुद को प्रूफ करता था कि अब मैं रियलिटी शो में जाने के लिए रेडी हूँ कि नहीं हूँ ऐसा। तो लाइक कभी कभी लाइक ऐसा होता था कि वहाँ पर प्राइज आते थे, लोग मतलब लाइक पब्लिक अपने को बहुत पसंद करती है, तो वहाँ से अपने को पता चलता है कि हाँ हम कुछ है, हम लोग कुछ कर सकते हैं ऐसा। तो बस वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई एंड बहुत साल हो गए, मतलब जैसे 4 साल का था तब से चालू किया एंड जब 17 साल का मैं हुआ तब मुझे पहला चांस मिला। तो उस दौरान आप समझ सकते हो कि कितनी मेहनत लगी होगी। कितना मतलब इतने साल तक कंटिन्यू डांस सीखा और पढ़ाई भी साथ में और बीच में काफ़ी ऐसे ड्रॉप्स भी आए, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी आई, बट उस चीज़ों को फेस किया। कोई ऐसा पल आया होगा कि अब छोड़ दे डांस ऐसा कुछ? एक टाइम पे लाइक फैमिली का इशू था ऐसा बहुत, क्योंकि तब तो डांस करते थे तब उनको ऐसा लगता था कि हाँ चलो एक एक्टिविटी के हिसाब से हाँ बच्चा जा रहा है कर रहा है ऐसा, करियर का ऐसा कुछ नहीं था। बट बाद में मैंने बहुत सीरियसली लिया उस चीज़ को, डांस को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया एंड मैं दिन रात वही करता था, सुबह उठते भी डांस, रात को भी डांस ऐसा। तो कभी कभी ऐसा होता था कि लाइक रात को बहुत लेट हो जाता था प्रैक्टिस के टाइम पे। तो अभी घर पे कैसा होता है कि भाई 1 घंटा जाओ और फिर आके पढ़ाई जो भी है आपका कर लो। तो उस दौरान जैसा बहुत घर पर प्रॉब्लम होती थी, चुपके से जाना पड़ता था घर पर, जब सो जाते हैं तब लेट, कभी कुछ खाना वाना हो तो आवाज़ नहीं आनी चाहिए, नहीं तो उठते ही गाली पड़ती है, ऐसा सब बहुत होता था। तो लाइक उस टाइम पे ऐसा था कि क्या करे ऐसा। देन एक दिन ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरे को प्रूफ करना है ताकि उनको पता चले कि नहीं मैं इस चीज़ को सीरियसली ले रहा हूँ और मुझे यही चीज़ करनी है ऐसा। तो उस टाइम डिसाइड हो गया कि हाँ, उस टाइम डिसाइड हो गया था। और बीच में एक ड्रॉप भी आया था तो वहाँ पर भी थोड़ी थिंकिंग चेंज हुई थी कि नहीं अब मेरे को यही करना है ऐसा। सो फिर आपके मेंटर होंगे कोई जिनने आपको इतना इंस्पायर किया होगा, सिखाया होगा, तो आपके कोई मेंटर या गुरु? हाँ, मैंने डांस मतलब लाइक खुद से तो नहीं सिखाया, मैंने मेरे भी एक सर थे, उनका नाम राजू सर और संजू सर है, और मुझे हाथ पैर हिलाना उन्होंने ही सिखाया कि कैसे डांस होता है। बट हाँ एक चीज़ थी कि पहले से बॉडी में लाइक एक पैशन था कि कुछ करना है, तो मैं बहुत जल्दी सीखता था चीज़ें, तो उनको भी सिखाने में मज़ा आता था एंड उन्होंने ही जो सिखाया अभी तक उन्होंने ही सिखाया है।
और उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जहाँ पे मुझे अलग अलग स्टेट में, पहले मैं नवसारी में रहता था, उसके बाद वो छोड़ने के बाद सूरत आया, तो सूरत आने के बाद थोड़ा सा टफ हो गया क्योंकि गुरु तब यहाँ नहीं आ सकते थे, तो फिर यहाँ आने के बाद खुद से थोड़ा चालू किया, खुद से प्रैक्टिस करना शुरू किया, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल सीखी और सिखाई भी, देन वैसे चालू रहा। फिर आपकी फैमिली कंडीशंस कैसी थी उस टाइम फिर? हाँ, फैमिली ऐसा था कि लाइक हम लोग बहुत ऐसे लो बोलते हैं ना, लाइक इतने हाई फाई नहीं है, मतलब बहुत छोटी जगह से बिलोंग। मेरा नाम है नीमा बिन, बारगर और दवल मेरे बेटे हैं, उनके पापा बाहर जाते हैं स्त्री करने के लिए। मैं दवल और बारगर का पापा हूँ और मेरे दोनों बच्चों को बचपन से बहुत शौक था और मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था उसको सिखाने में। टीवी पे गाना रख के भी वो डांस करता था, दोनों जन मेरे बोलने से भी रुकते नहीं थे। स्कूल में सिखाने भी जाते थे कि मेरी मम्मी को घर में आपदा गिरती है, वो भी चालू रखते थे। दो मिला के 3,000 आता था उनका। डेढ़ महीने से वो बाहर है, उनके सैलरी भी नहीं आती है घर में, और मेरी भी सैलरी कम है, समय से कम 150-200 रुपया रोज का कमा सकता हूँ। और लोग को भी यहाँ से गए हैं तो उनके टिकट के भी पैसे नहीं थे, मगर जैसे वैसे करके उनको दिया है मैंने भी। दोबर और बर्गो में आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि अभी जो आपको प्लेटफॉर्म मिला है उसको संभल के रखना और उसमें से आगे बढ़ना। घर का कोई भी टेंशन मत लेना, तो जो भी बोलेगा वो कहीं से भी एडजस्ट करके तेरे को पहुँचाएगा। आप सोच नहीं सकते हो ऐसी जगह पे थे हम लोग एक टाइम पे, देन फैमिली का प्रेशर भी एक था एंड बहुत सारे लोग भी थे बोलने वाले कि क्या कर रहे हो तुम, ये डांस वांस में कुछ नहीं रखा है, क्या करोगे ऐसा। सबसे बड़ा रोग क्या? सबसे बड़ा, हाँ लोग, और वो चार लोग आज तक मेरे सामने नहीं आए। मैं हमेशा ढूंढता हूँ, बोलता भी हूँ लोगों को कि वो चार लोग कौन है जो आपको बोलते हैं, तो वो आज तक मिले नहीं है। तो एक टाइम पे ऐसा हुआ, बहुत लोग आते थे इसमें कोई करियर नहीं है, तो हम कहीं पे भी जाते थे तो शादी वादी में भी जाते थे तो लाइक डांस वांस करते थे, उसके बाद वो लोग घर पे आते थे तो कुछ भी बोलते, तो हमको हमेशा नीचे देख के बात, हाँ नीचे दिखाते भी, और कोई बोलता है तो हमको नीचे देखना पड़ता था कि लाइक यार क्या बोल रहे हैं, हाँ एक रिस्पेक्ट के क्या जाते हो नाचने ये वो ऐसा। तो वो जब लोग बोलते थे ना तो मैं हमेशा मतलब उस चीज़ को माइंड में रखता था कि नहीं इन लोग को मुझे प्रूफ करना है एक दिन ऐसा, तो तब से वो थॉट माइंड में था कि कुछ करना है ऐसा करके। तो फैमिली वाले का भी एक ही सीन था कि अभी ये सब छोड़ दे, क्योंकि मैं लेट जाता था रात को तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी और उनको तब पता नहीं था लेट, यानी कि कभी कभी हमारा टाइम होता था रात को 8 बजे से लेके 10 बजे तक होता था प्रैक्टिस, बट हम लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए 12 बजा देते थे ऐसा, क्योंकि हमको हाँ, तो वो एक दिक्कत थी, बट उनको ये नहीं पता था कि मुझे इसमें ही कुछ करना था ऐसा, तो तब बहुत प्रेशर था ऐसा। और फैमिली का सपोर्ट कैसा था फिर? हाँ सपोर्ट तब आया क्योंकि एक दिन ऐसा हुआ कि दो इंसिडेंट हुए थे, एक तो जब मैं स्कूल में था तब हमारी कंडीशन एक ऐसी चीज़ हो गई थी कि बहुत ज़्यादा ड्रॉप आ गया लाइफ में, पापा का बिजनेस ये वो सब फ्लॉप चला गया, हमारी दुकान वुकान थी वो सब चली गई, तो लाइक वहाँ ऐसा हुआ था कि स्कूल में पैसे भरने के भी फीस नहीं थी हमारे पास, तो एक कौन से जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था और फिर मुझे स्कूल चेंज करनी थी ऐसा, तो उस टाइम पे ऐसा ड्रॉप आ गया, तो तब मुझे माइंड में ऐसा क्लिक हुआ कि इतनी प्रॉब्लम है और हम लोग समझ नहीं पा रहे ऐसा, तो लाइक फिर मैंने सोचा कि नहीं अब मुझे कुछ करना पड़ेगा ऐसा, क्योंकि फिर मैं उस सिचुएशन को नहीं देख पा रहा था, तो मैंने सोचा कि अभी जो होगा पढ़ाई मैं कर लूँगा कैसे भी करके, वो मेरा पर्सनल है तो मैं देख लूँगा ऐसा करके। देन उस दिन से मैंने डिसाइड किया था कि मुझे जो करना है अब मैं डांस में करूँगा। देन मैं अलग अलग जगह पे जाके डांस करता था, प्राइजेस जीतता था, पैसे कमाता था, वैसे करके तभी से ये चीज़ आई
तो उनकी नज़र में क्लिक होने लगा, फिर सूरत के बाहर की कॉम्पिटिशन्स में जाने लगा। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे जहाँ पे मेरी कॉम्पिटिशन थी नवसारी में, मुझे जहाँ तक याद है, वहाँ पे एक बंदा आया था जो सूरत से था, तो उन्होंने मुझे देखा वहाँ पे। और बाद में ऐसा हुआ कि मैं सूरत से मुझे यहाँ पे बुलाया एज अ जॉब करने के लिए, डांस के लिए, तो मैं तब सूरत आया। सूरत आने के बाद हम लोग की यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू हुई, देन प्रैक्टिस कर करके हमको एक रियलिटी शो मिला जिसमें हम लोग ऑडिशन देने गए थे एंड वहाँ पे हम लोग सिलेक्ट हो गए। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि आज भी मैं वो चीज़ सोचता हूँ ना तो मेरे लाइक घूस बम आ जाते, लाइक अभी आ गए तो मेरे को इतना याद है कि वो पहला टर्निंग पॉइंट था हमारे लिए कि पहली बार हम लोग गए उस शो में। एंड तब ऐसा था कि मैं सबको प्रूफ, जो जो मेरे दिमाग में बचपन में चीज़ें जो हुई सारी दिमाग में थी, हाँ कि नहीं अब मुझे ये स्टेज मिला है तो मुझे ये स्टेज पे पूरा 100% दे के कुछ करके जाना है, ताकि फैमिली वाले को भी लगे कि नहीं टाइम वेस्ट नहीं हुआ है। जो हमारे समाज में वो जो चार लोग थे वो भी पता है, उनका भी मुंह बंद करना था, और बहुत काफ़ी अदर्स लोग भी थे जो बोलते थे इस चीज़ को लिए। तो उस दिन के बाद टीवी पे आए, टीवी पे आने के बाद मेरा ऐसा ड्रीम था कि मेरे मॉम डैड भी टीवी पे दिखे एक बार, तो वहाँ पे मेरे को एक सरप्राइज़ मिला स्टेज के बीच में। हाँ, तो स्टेज के बीच में ऐसा था कि हम लोग 3-4 महीने तक मुंबई थे और घर वाले के मतलब लाइक शक्ल तक नहीं देखी थी हमने, तो अचानक से वो लोग मेरे घर पे गए, वहाँ पे पूरा शूट किया घर का, पूरे मोहल्ले वाले का, एंड फिर अचानक से लाइक टीवी पे वहाँ बड़ी स्क्रीन पे जजेस के सामने, और गेस्ट भी आए हुए थे तब, तो लाइक उनके सामने दिखाया, तो लाइक वो एक माइंड पूरा वहाँ पे ऐसा लगा कि आज मैंने सब कुछ कर लिया अचीव, इसके आगे मेरा जो होगा वो देखा जाएगा, बट मुझे जो करना था वो मैंने अचीव कर लिया। ये सुन के मुझे गूज़बम्स आ गए। तो कौन सा रियलिटी शो था वो? वो पहला रियलिटी शो था चकदम जोन सीजन 2। अच्छा अच्छा। हाँ, इसमें जी टीवी पे आता था शायद, नहीं कलर्स टीवी पे, कलर्स। हाँ, तो वो शो में हम लोग जीते भी थे, ऐसा नहीं कि हम लोग टॉप 12 में निकल गए, ऐसा नहीं, फर्स्ट रनर अप हुए थे हम लोग, एंड वो पहला शो था जो लाइफ का पहला शो था और जीते भी हम लोग, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी था। देन उसके बाद मुझे सामने से बहुत सारे ऑफर्स आने लगे, काफ़ी रियलिटी शोज के ऑडिशंस के लिए फ़ोन आने लगे, तो उसके बाद फिर जर्नी चालू रही। फिर एक ही क्वेश्चन ये कि आपके पास, आपने कहा कि मतलब बहुत लो थे उस टाइम जब छोटे वगैरह थे, तो उस टाइम कोई प्रैक्टिस करने के लिए बस आपके मिरर वगैरह नहीं था, तो कैसे प्रैक्टिस करते थे? अच्छा, तब ऐसा था कि मैं जो डांस क्लास में जाता था वहाँ पे बहुत छोटी जगह थी, मतलब लाइक इतने बड़ा क्लास नहीं था हमारा, वहाँ पे एसी भी नहीं हुआ करता था, मतलब एकदम पंखे में पंखा था, और उस टाइम पे हमको खुद को नहीं पता था डांस क्लास में जाते तो कांच होनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत छोटे थे हम तब, तो कांच जैसा तो कुछ दिखाई नहीं कभी। तो संजू सर उनके, हाँ संजू सर और राजू सर थे, तो लाइक ऐसा था कि हम प्रैक्टिस करते थे तब कभी मिरर के सामने आया ही नहीं मैं, तो सर बोलते थे कि पीछे सर ने ऐसा लाइट लगाया था ताकि हमारा शैडो दीवार के ऊपर दिखे। हाँ, तो दीवार के ऊपर दिखने के बाद हमारे बॉडी मूवमेंट्स हमको पता चलते थे कि हाँ हम लोग ऐसा डांस कर रहे हैं। हाँ ऐसा, तो लाइक मिरर नहीं था बट हमारे पास जुगाड़ था तब। हाँ, तो वैसे ही प्रैक्टिस करते रहे, और आज वही चीज़ मेरे को बहुत काम आ रही है, क्योंकि मैं कभी भी कहीं पे भी जाके परफॉर्म करता हूँ ना, तो लाइक मेरे फेस पे वो नर्वसनेस नहीं रहती है, क्योंकि मैंने खुद को कभी देखा नहीं है ना आईने में, मैं हमेशा ऐसा ही फील करता था कि ऑडियंस ही है सामने। हाँ बस खुद बस ऐसा, क्योंकि एक होता है कि मिरर होता है तो अपने को ऐसा लगता है कि हाँ एक कोई है तो अपन कर रहे हैं, बट जब कुछ नहीं होता है ना तो हम ब्लैंक हो जाते हैं, पता नहीं चलता है कि कैसे डांस करना है, ऐसा पता ही नहीं चलता है ऐसा। बट वहाँ से चीज़ें सीखी तो मेरी डांसिंग में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी और वो सब आ गई। अच्छा, वैसा फिर बाद में आपने सूरत आया तो? हाँ, सूरत आया तो फिर ऐसा मुझे लगा कि हाँ डांस क्लास मतलब ऐसे होते हैं, तो तब मेरे को पता चला ऐसा इंटीरियर ऐसा होता है, लाइटिंग वगैरह होती है, एसी होता है, तो वो हाई फाई लगने लगा ऐसा कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ है ऐसा कर। बट माइंड में फिर डिफरेंस देखा लाइफ में, तो अभी भी मुझे लगता है कि ये सब जो है वो अभी के हिसाब से है, अभी की जनरेशन के हिसाब से ऐसा माहौल है, बट जो एक्चुअल में पहले था वो अलग ही था, मतलब उस टाइम पे हमारी प्रैक्टिस, उस टाइम के थॉट, आज जो मैं कुछ बना हूँ उस टाइम की वजह से बना हूँ ऐसा। दो चीज़ों को कंपेयर करना है, आज के जो डांस सीखते हैं और जो सिखाते हैं और पहले के हिसाब से, क्या एक चीज़ पहले की आपको ज़्यादा अच्छी लगती है? पहले की चीज़ें ऐसी होती थी कि लाइक तब बॉलीवुड था, मतलब तब बहुत सारी ऐसी स्टाइल थी जो आई नहीं थी, थी बट हमारे इंडिया में नहीं आई थी ऐसा, तो तब एक ही क्रेज़ था बॉलीवुड डांसिंग का। हाँ, तो बॉलीवुड एक ऐसा स्टाइल है कि आपको थका देगा, मतलब वो उतनी एनर्जी, और अभी के हिसाब से देखा जाए तो लाइक बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई
ऐसा। तो फ़र्क बस खाली इतना है कि अभी की चीज़ें डांसिंग वाइज थोड़ा लेवल अप हो गया है, और उस टाइम पे बॉलीवुड हुआ करता था प्योर डांसिंग, ना ही कोई स्टंट होता था, ना ही कुछ, प्योर सिर्फ डांसिंग, हाँ कोई प्रॉप नहीं, नथिंग। हाँ, और अभी के ज़माने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आ गई, स्टंग, हाँ बड़े बड़े प्रॉप्स है, प्रोजेक्ट, हाँ बहुत ऐसी, टेक्नोलॉजी वाइज भी बढ़ गया एंड क्रिएटिविटी भी काफ़ी आ गई। पहले क्रिएटिविटी थोड़ी कम थी बट डांसिंग वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग था चीज़ें। तो भी आजकल के हिसाब से पहले आपको कौन सा ज़्यादा मतलब मन लगता था करने में, आज की जनरेशन के हिसाब से जो इतनी फैसिलिटी मिलती है, कि पहले जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं थी और अंदर से निकलती थी चीज़ें अंदर से, लाइक उसमें ऐसा डिफरेंस तो कुछ नहीं है, बट हमारे अगर मेरा पूछा जाए तो लाइक मुझे इसके लिए अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ का माहौल भी वैसा था। हाँ, वहाँ पे लोग भी हमारे जैसे थे जो सिर्फ करने के लिए आते थे कि डांस करना है, डांस करना है ऐसा, तो चाहे उनको मिरर हो, हाँ हाँ, तो वहाँ पे ऐसा था कि ना एसी, ना कांच, ना लाइटिंग, हमको तुम कहीं पे भी खड़ा कर दो, हमको सिर्फ डांस करना है वैसा। और अभी के हिसाब से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो फैसिलिटी देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा है कि नहीं, वहाँ पे ऐसा है कि नहीं, तो ही भेजते, बट उनको ये नहीं पता होता कि यहाँ पे एक्चुअली डांसिंग भी होता है। सही बात है। तो इतनी आपकी जर्नी रही है, आप रियलिटी शोज में भी रहे, तो ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आया है कि जहाँ पे मतलब आपकी कोई बहुत बड़ी गलती हुई हो आपसे, कि बाद में आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये गलती हो चुकी है, तो जिससे आपको शायद करियर में पीछे भी जाना पड़ा? नहीं, ऐसे ड्रॉप्स मतलब माइंड में कभी कभी ऐसा आ जाता था कि हम लोग ऑडिशन देने जाते हैं, तो ऐसा होता था कि जैसे मैं फर्स्ट टाइम ऑडिशन देने गया तो कैसा है कि हम लोग जीत गए, ठीक है, पहले ऑडिशन में हम जीत गए, दूसरे रियलिटी शो में गया तो टॉप 30 तक था, हाँ ठीक है, उसके बाद एक और रियलिटी शो में गया जस्ट डांस, उसमें मैं मेगा ऑडिशन तक था, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि मैं एक शो जीत चुका हूँ, उसके बाद मैं टॉप 13 में आया और उसके बाद मेगा राउंड में आया, बल्कि ये होता है कि मेगा राउंड क्लियर करो उसके बाद टॉप 13 आओ फिर जीतो। अच्छा। समझ में आया? तो ये चीज़ें लाइक डाउन हो गई यहाँ पर, ठीक है, डाउन हो गई, उसके बाद मैं वापस DID में गया, मतलब डांस सीजन, डांस सीजन 3 और 4 आए थे, तो 3 में भी मेरा सिलेक्शन हुआ ही नहीं, ठीक है, इंडिविजुअल में नहीं, सोलो, हाँ 3 में भी नहीं हुआ, 4 में ऑडिशन दिया, तो लाइक 4 में ऐसा हुआ कि मैं सिलेक्ट हो गया, बट आया TV राउंड तक भी नहीं पहुँचा, लाइक मैं कोरियोग्राफी राउंड होता था कि सारे कंटेस्टेंट सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर एक कोरियोग्राफी राउंड होता है, वहाँ पर उनकी कोरियोग्राफी सिखाई जाती है, तो उसके बाद, हाँ तो उसमें भी एक ऑडिशन होता है, उसके बाद आपका TV राउंड होता है ऐसा, तो वहाँ से भी निकल गया। तो लाइफ में एक ऐसी चीज़ आई जो मुझे तब ऐसा लगा कि यार अब नहीं होगा ऐसा, कि अब नहीं करना चाहिए ऐसा, जो लोगों को थॉट आते हैं, हाँ तो एक टाइम के लिए ऐसा आया, गिव अप वाली बात बोलते हैं ना कि हाँ अब बस इतना ही है, अब नहीं हो रहा ऐसा, बट पता नहीं मेरे अंदर एक ऐसी चीज़ें थी जो हमेशा एक क्लिक करती है कि नहीं करना है ऐसा, तो तब तो ऐसा थॉट आ गया कि नहीं करना है यार, बार बार ऑडिशन में जा रहे हैं तो नहीं हो रहा है ऐसा, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है ऐसा करके, इतना सो जीता फिर ड्रॉप आया, तो ऐसा दिमाग फ्रस्ट्रेट हो गया कि अब करना क्या है ऐसा, क्योंकि हाँ पढ़ाई भी छूट गई थी क्योंकि मैंने सोचा था कि डांसिंग ही करना है, ठीक है, तो उसके बाद ऐसा लगा कि यार करूँ तो क्या करूँ ऐसा, तो फिर एक दिन घर गया, शांति से बैठा और सोचा कि नहीं ये मेरा कोई ड्रॉप नहीं आया है, ये यहाँ से मुझे सीखने को मिला है कि लाइफ में अप एंड डाउन्स बहुत आते हैं, और हमको ये नहीं सोचना है कि आपको हमेशा अप ही जाना है एंड आपको सक्सेस ही मिलती जाएगी, वो ड्रॉप आएगा, जहाँ जहाँ ड्रॉप आता है तो वहाँ वहाँ एक चीज़ होती है कि हाँ हमको वहाँ सीख मिलती है, एक सीख मिलती है, वो एक गलती या पता चलती है कि हमारी ये गलती की वजह से हम लोग आज ये नहीं कर पाए, तो वो मैंने सारी गलतियों को सुधारा कि जहाँ जहाँ मैं पीछे पड़ रहा था वो सारी चीज़ें मैंने माइंड में लाया कि हाँ भाई मेरी ये गलती हो गई है, शायद मैं यहाँ पर बेस्ट नहीं था, यहाँ पर शायद इतने सारे डांसर्स थे तो मुझ में ऐसी क्या क्वालिटी थी जो उनको नहीं ऐसा लगा कि भाई नहीं हो पाएगा सिर्फ, तो उसके बाद मैंने वो सारी थिंकिंग माइंड में लाया, देन खुद को स्ट्रांग बनाया, खुद को स्ट्रांग बनाया कि नहीं करूँगा ऐसा करके और आगे तक जाऊँगा ऐसा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने अंदर से कभी मत ख़त्म करो, इन शॉर्ट एक चीज़ है, जब तक आप जिंदा हो ना तब तक वो आप कुछ बनना चाहते हो ना तो वो चीज़ आपके पास रखो, उसको हटाओ मत कभी भी ऐसा, और कुछ भी हो लगा दो, लगा दो, मेहनत करते रहो, आज किसी किसी को एक बोलते हैं ना किसी किसी का लक होता है जिसको एक साल के अंदर मिल जाता है, किसी किसी को 6 महीने में भी मिल जाता है, और किसी किसी को काफ़ी टाइम लगने के बाद मिलता है, हाँ बहुत ऐसा होता है, मैंने काफ़ी ऐसे किस्से देखे हुए हैं, मेरा खुद का देखोगे तो मैं 4 साल से कर रहा हूँ और मेरे को 17 साल पर मिला पहला ब्रेक, तो मैंने उस दौरान तो गिव अप नहीं किया ना, लाइक के भाई मैं टीवी पे नहीं आया, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, मुझे था कि मैं करते रहूँगा, एक ना एक दिन तो आएगा ही आएगा ऐसा, तो बस ये चीज़ थी।
सही बात है। आजकल क्या लोगों की मेंटेलिटी हो गई कि एक फेलियर आ गया ना, फेलियर मतलब वहाँ पे रुक जाना है, उनका ऐसा है, बल्कि फेलियर का वही मतलब होता है कि वो कुछ सीखा नहीं है, तुम परफेक्ट नहीं हो, तुम सीख रहे हो अभी भी, तो बस वो फेलियर हमको सिखाने के लिए आते हैं और सक्सेस फिर ही मिलती है। जहाँ से भी मेरा रिजेक्शन हुआ है, मतलब मुझे लाइक ऑडिशन से बाहर निकल, तो मुझे कभी कभी ऐसा बुरा लगता था क्योंकि लोग मुझे जानते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि ऐसा लगता है कि हाँ ये आया है तो सिलेक्टिव हो ही जाएगा ऐसा। तो लाइक कभी कभी ऐसा हुआ कि मैं उनके साथ ही होता था और मैं रिजेक्ट हो जाता था, तो मुझे फेस करने में बहुत ऐसा दिक्कत होती थी कि यार ये लोग मेरे को इतना मानते थे, इनको लगता था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, ऐसा तो उम्मीदें टूटी थी, उम्मीद मतलब ऐसा होने लगा कि यार टूट रहा हूँ। बट एक दिन ऐसा दिमाग ऐसा हो गया कि नहीं करना है, तो दिन रात वापस एक कर दी, देन करते रहा फिर आगे बहुत कुछ मिला। कौन सी एज में हुआ था ये चीज़? ये मैं 7th स्टैंडर्ड में था ना, तभी लाइक मेरे को 8-9 के आसपास तब ये सारी चीज़ें, हाँ क्योंकि ये तभी हो गया, तो मैं खुद को बहुत अच्छा मानता हूँ कि मेरे साथ तभी हो गया, हाँ क्योंकि तभी हो गया और तभी मुझे समझ में आ गया कि आगे क्या करना है, क्योंकि अगर तब मुझे उतनी समझ नहीं आती तो शायद मैं अभी के फ्यूचर प्लानिंग और आगे मुझे कैसे बढ़ना है वो मैं नहीं समझ पाता, कभी कर ही नहीं पाता ऐसा। सो आपके अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स यही है कि अभी तो लाइक डांस कर रहे हैं और भी ऐसे काफ़ी सारे ड्रीम हैं वो पूरे करने हैं। जैसे मेरा एक ड्रीम था जब मैं डांस करने लगा, रियलिटी शो में आने लगा, तो रियलिटी शो में आने के बाद क्या ऐसा होता है ना कि आपने रियलिटी शो कर दिया, आपको जहाँ मतलब जो करना था कर लिया, अब मैं क्या करूँ ऐसा। तो मैंने मेरे लाइफ में गोल बनाए, गोल में ऐसा था कि मुझे जैसे समझ लो कि टीवी पे हम कोई शो देख रहे हैं, मेरी मॉम की एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी मॉम बहुत एक सीरियल देखती थी ससुराल सिमर, जो जिसमें वो बहुत ज़्यादा देखती थी और काफ़ी फेमस सीरियल था वो, तो वो दीपिका कक्कर उसमें जो एक्टर थी, तो लाइक उनको उनका फेवरेट है वो सीरियल और वो भी बहुत फेवरेट थी उनकी, तो हम देखते थे ऐसे टीवी पे, एंड मेरे ऐसे गोल सेट हुए कि मुझे अभी आर्टिस्ट को सिखाना है, मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को कोरियोग्राफी करनी है, मुझे वहाँ जाना है, जो रियलिटी शो में हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो उनको कोरियोग्राफ करना है, और जो भी बड़े बड़े जैसे धर्मेश सर हो गए, काफ़ी ऐसे लोग हैं, शक्ति मैम हो गए, तो मुझे उनके साथ काम करना था, पुनीत सर हो गए, तो वो सब मैंने सेट किया लाइफ में कि मुझे अब ये करना है। तो लाइक एक दिन सडनली कॉल आता है कि आपको मुंबई आना है, ऐसे ऐसे एक शो है, रियलिटी शो है, उसमें एज अ असिस्टेंट कोरियोग्राफर पहले काम किया, हाँ तो आपको असिस्टेंट कोरियोग्राफर कर हमारी टीम में काम करना है ऐसा। तो मैंने बोला ठीक है हम करेंगे कोई बात नहीं। तो फिर वहाँ पे गया एंड मेरी मॉम का फ़ोन आता है जब मैं मुंबई पहुँच गया, बोला कि कौन किसको सिखा रहा है तू, ऐसा कौन आर्टिस्ट मिला है तुझे और किसको सिखाने वाला है। तो मैंने बोला मॉम अभी तक तो पता नहीं चला है, मैं जैसे होगा मैं आपको बताऊंगा ऐसा। देन उसके बाद सस्पेंस का, मुझे खुद को भी नहीं पता था कि मेरे को कौन मिलेगा। देन उसके बाद सडनली दूसरे दिन हॉल पे जाते हैं हम लोग, एंड हमारे कोरियोग्राफर की टीम होती थी वो आए, उसके बाद जो कंटेस्टेंट थे वो आए, एंड मैं लिटरली उस टाइम पे शॉक था कि वो मेरी मॉम जिसको टीवी पे देखती थी और बहुत बड़ी फ़ैन थी और वो मेरे सामने है, तब लाइक ऐसा लग रहा था कि क्या देख रहा हूँ मैं, क्योंकि मॉम इतनी तारीफ़ करती थी उनकी कि यार ये सीरियल में ये बहुत अच्छी है ऐसा, और मैं आज उनके सामने हूँ और उनको सिखाने वाला हूँ। ससुराल सिमर का दीपिका कक्कर जो अभी बिग बॉस में विनर हुई, हाँ तो वो पूरा नचबलिए 8 मैंने शोएब और दीपिका के साथ किया, एंड उस टाइम पे उनको काफ़ी ट्रेनिंग दी हम लोगों ने, काफ़ी ऐसे परफॉर्मेंस दिए अच्छे, तो वहाँ से लाइक मुझे काम मिलना शुरू हुआ। उसके बाद फिर नचबलिए 8 किया, नचबलिए 9 किया, उसके बाद मुझे अदर रियलिटी शो से एज अ परफॉर्मर बुलाया गया, तो वैसे सारी चीज़ें हो गई। देन 3 सीजन में मतलब सिखाया हुआ है, हाँ सिखाया हुआ है, फुल सीजन सिखाया हुआ है। देन उसके बाद मुझे नचबलिए 9 भी मिला, मतलब नचबलिए 8 के बाद दूसरे साल नचबलिए 9 भी मिला, तो तब मेरा ऐसा एक थॉट था कि मुझे पुनीत, मैंने धर्मेश सर के साथ किया हुआ है डांस प्लस में, तो मुझे पुनीत सर के साथ भी काम करना था एक बार, क्योंकि सबसे मिले हुए हैं, सबसे मैंने काम भी किया हुआ है, एंड मुझे एक थॉट था कि मुझे पुनीत सर के साथ काम करना है, मेरी लाइफ का ड्रीम था वो भी। देन मैं नचबलिए 8 में मैं विशाल और मधुरिमा को सिखा रहा था, देन हमारे वो कंटेस्टेंट पहले आउट हो गए, मतलब कुछ ग्रैंड फिनाले के एक एपिसोड पहले आउट हो गए, हाँ तो तब ऐसा हुआ कि यार अब क्या करें, ये भी चले गए। तो बाद में मैं हमारा सेट पे हम लोग रुके हुए थे, रात को सब लोग का पैकअप हो गया और पुनीत सर भी वहाँ पे थे, और पुनीत सर मेरे को जानते थे वैसे, तो लाइक मैंने बोला कि यार इनको तो मिल के जाना है कैसे भी करके, तो बस सडनली मैं वहाँ पे गया और सर को बोला
कि सर कुछ काम हो तो सर बताना, क्योंकि हमारे कंटेस्टेंट तो आउट हो गए, तो मेरा एक ड्रीम है आपके साथ काम करने का, तो कुछ भी काम हो तो मुझे ज़रूर बोलना ऐसा। देन जैसे मैं घर पहुंचा एंड सुबह हुई, फ़ोन आता है मेरे को कि ऐसा ऐसा, मैंने बात कर रखी थी, मेरे दोस्तों ने भी बात कर रही थी कि हाँ ये अच्छा करता है तो उसको एक चांस दो ऐसा करके। तो फिर फाइनली मुझे बुलाया, उनकी हॉल पे बुलाया एंड मुझे बोला कि पूरा ग्रैंड फिनाले का जितने भी डांसिंग है वो हम लोग को करना है ऐसा। देन मैं भी उस चीज़ का, उस टीम का एक हिस्सा बन गया, पुनीत सर की टीम का एक हिस्सा बना। तब मेरे को लगा कि यहाँ पे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। देन वहाँ पे भी एक चीज़ ऐसी आई जो मेरा फेवरेट था रोडीज़ में, प्रिंस नरोला। हाँ, प्रिंस नरोला मेरा फेवरेट था। देन ग्रैंड फिनाले एक्ट में भी मुझे ऐसा था कि मुझे कौन मिलेगा ऐसा, हाँ तो मैं किसको सिखाऊंगा। ऐसे सिखाना तो मुझे सारे कंटेस्टेंट को था, सारे लोगों के साथ रहना था। देन मुझे पर्सनली लाइक प्रिंस मिला उस टाइम पे एंड मैं उनके साथ अकेले एक हॉल में हूँ एंड उनको डांस सिखा रहा हूँ। एंड मेरी लाइफ के सर ड्रीम था। मैंने तब उनको, प्रिंस सर को बोला भी कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आपको टीवी पे देखता था एंड मैंने एक दिन सोचा था कि मैं आपसे मिलूंगा, बट मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं मेरे काम से मिलूंगा कभी ऐसा। तो आपके हिसाब से आपका फेवरेट डांसर कौन है? फेवरेट डांसर देखो, मैं पर्टिकुलरली एक नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत लोगों से सीखा हूँ, हाँ, और मैं देखते सीखता भी हूँ। ऐसा नहीं कि कहीं एक जगह से, मैं कुछ नई नई चीज़ें दिखती है तो मैं वहाँ वहाँ से सीखता हूँ, जो अच्छा लगे वो सीखता। हाँ, बट एज अ बॉलीवुड में देखा जाए तो जैसे बॉलीवुड कोरियोग्राफी हो तो मुझे गणेश आचार्य बहुत पसंद है। आप इनसे मिले हो? हाँ, प्रभु देवा से मैंने डांस प्लस में ही मिला हूँ। और प्रभु देवा के साथ लिटरली मैं कैसे मिला हूँ कि हम लोग डांस प्लस सीजन 2 में हैं एंड रेमो सर वहाँ पे बैठे थे और मैंने सिर्फ रेमो सर को बोला कि सर मुझे मिलना है ऐसा करके। तो रेमो सर खुद मेरे साथ प्रभु देवा सर के साथ वहाँ पे खड़े थे एंड रेमो सर ने मेरे से मिलवाया था कि हमारे सीजन 1 के कंटेस्टेंट है रवि भार्गव ऐसा करके। देन तब ऐसे एक माहौल होता है ना कि आज हम किसके साथ खड़े हैं, तो वो एक वो मैं समझ में नहीं आ रहा था चीज़ें कि क्या हो रहा है लाइफ में ऐसा। तो अभी आपका एक रैपिड फायर राउंड है, इनमें आपको दो ऑप्शन दूंगा, कोई भी एक चूज करना है। ओके, सो ऋतिक, ऋतिक और टाइगर श्रॉफ। ऋतिक। वरुण धवन या शाहिद कपूर? शाहिद। गणेश आचार्य और प्रभु देवा? यार ये बहुत टफ है, ये कसम से बहुत टफ है क्योंकि वो दोनों को मैं मानता हूँ, दोनों का स्टाइल भी अलग है, डिफरेंट स्टाइल है। हाँ। तो अभी मैं जज कैसे करूँ मतलब? तो भी आपके डांस के पैटर्न के हिसाब से आपका कोई एक फॉर्म होगा पर्टिकुलर, उसके हिसाब से आपको कौन पसंद है ज़्यादा जो आपके पैटर्न से कुछ मिलते जुलते? हाँ, अगर देखो अभी की चीज़ें देखा जाए और ऐसे मैंने जितना एक्सपीरियंस मुझे है और मुझे नई नई चीज़ें देखनी होती है या फिर करनी होती है जो हार्ड चीज़ें, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पावर मूव्स बना सकता हूँ या कुछ एनर्जेटिक चीज़ें करता हूँ तो प्रभु देव। ओके, दोनों पसंद है। धर्मेश सर और आप उन सबसे मिले हो तो एक वो लोग कुछ जगह पे पहुंचे हुए हैं, तो आप उनका वो लोग कैसे हैं, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि कैसे हैं आपसे मिले, लोगों से मिलते हैं? मैंने उनके बारे में सुना हुआ है कि वो बहुत अच्छे बिहेव करते, लाइक नॉर्मल पर्सन जैसे हम हैं वैसे ही हैं। नहीं, मेरे साथ पर आपके हिसाब से मेरे साथ हुआ हुआ है, जैसे अभी समझ लो कि मैं डांस प्लस में, तो लाइक पहले धर्मेश सर है तो वो लाइक अपने को कैसे जज है, वो मतलब हमारा मेंटर है, सब कुछ है, तो उनसे हमारी फटती भी थी बहुत। तो लाइक एक टाइम पे ऐसा होता था कि हम रिहर्सल हॉल पे जाते थे ना, तो उस टाइम पे नहीं हमारे पास इतने कपड़े नहीं हुआ करते थे ऐसा, तो हम लोग रिहर्सल हॉल में एक ही टी शर्ट पहन के जाते थे। तो सर ने नोटिस किया कि ये हर रोज़ हमेशा आते हैं रिहर्सल पे, दो दो तीन तीन दिन तक एक ही टी शर्ट दिखता है ऐसा। तो एक दिन सडनली सर लेके गए, हमको शॉपिंग करवाया, हाँ शॉपिंग करवाया एंड हमको कपड़े वपड़े दिलवाए। फिर हम लोग एक ही वहाँ पे रहते थे तो हम खाना हमको एक ही मिलता था वहाँ पे, एक फिक्स होता था आपको सुबह यही मिलेगा, शाम को ये मिलेगा, रात को यही मिलेगा, हम तीन मतलब रियलिटी शो में उनका फिक्स खाना होता था। तो 3 महीने से हम लोग ऐसा लाइक ऐसा हो गया कि यार क्या खा मतलब पक गए थे, हाँ। तो खाली धर्मेश सर को एक ही बार बोला कि सर कुछ आज मतलब लाइक सर खाने का कुछ और मन हो रहा है ऐसा, क्योंकि तब पैसे भी नहीं हुआ करते थे इतने। तो धर्मेश सर ने तुरंत खाना बहुत ऐसे अलग अलग मैकडिश ऑर्डर कर दिया, कभी
तो ऐसा दो चार दिन तक लाइक ऐसा अलग अलग जगह से खाना आ रहा है, दो चार दिन, हाँ ऐसा। एंड फिर बहुत ज़्यादा सर ने बोला कि आपको पहला प्लस मिल जाएगा तो आपको मेरी तरफ से पार्टी दूंगा ऐसा। तो हमको डांस प्लस का सबसे पहला प्लस हमको मिला था, एज अ सिंह ब्रदर्स हमारा नाम था तब, तो हमको पहला प्लस मिला। और धर्मेश ने हम अच्छी जगह पे बड़ी होटल में लेके गए जहाँ पे मैं तो कभी नहीं गया था, मतलब मैं मुंबई जाता था बट ऐसी जगहों पे नहीं जाता था क्योंकि डर लगता था मुझे कि कहीं कुछ हो ना जाए ऐसा, यहाँ बड़े बड़े लोग आते होंगे क्लबिंग ये वो ऐसा। तो हमको अच्छी जगह लेके गए, फाइव स्टार होटल में लेके गए, वहाँ पे डांस किया सब लोगों ने। वहाँ पे क्लब में लाइक ऐसा होता था कि वहाँ पे एंकर होते थे, रैपर होते थे, सब बहुत होते थे। तो धर्मेश सर ने उनका हमारा नाम लिया वहाँ पे और हमको फ्लोर पे बुलाया और वहाँ पे हमारा नाम इंट्रोडक्शन हुआ सबके सामने, देन वहाँ पे हम लोगों ने डांस किया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फिर प्रिंस सर का ले लो, जैसे प्रिंस नरोला है, हाँ, तो वो लोग कैसे हैं कि अपनी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं जब मैं अगर उनको सिखाता हूँ। सोएब दीपिका भी है तो उनको मैं सिखाता तो ऐसा नहीं लगता था कभी कि मैं किसी सेलिब्रिटी को सिखा रहा हूँ ऐसा। वो बहुत जेन्युइन, मतलब लाइक हमारे जैसे ही है सब लोग, कोई अपन को देखने में हाँ नॉर्मल। मैं सोएब दीपिका के घर पे भी रहा हूँ 3-4 दिन तक, वैसा है। उन्होंने मुझे फैमिली की तरह ही ट्रीट किया हमेशा, उनकी गाड़ी में आना जाना भी बहुत बार हुआ। तो लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि वो सेलिब्रिटी है तो ऐसा, क्योंकि उनका चलो कहीं जाते हैं तो उनको वो चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है, वो बात अलग है, बट वो ऐसा रियल लाइफ में भी हमारे जैसे ही है, कुछ भी नहीं है। अभी प्रिंस सर का हमारी टीम में एक बार ऐसा हुआ था कि कोई इंसिडेंट हो गया था, तो जिसके घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो प्रिंस सर ने मेरे सामने ऐसे जेब से 10-15 हज़ार रुपये निकाल के उनको तुरंत दे दिया कि जाओ आपको कुछ प्रॉब्लम है तो ये ले लो, आपका जो यहाँ से पेमेंट अटक रहा है तो वो मैं दिलवा दूंगा, आप बस अपनी तरफ से अपना बेस्ट काम करो ऐसा करके। तो सब अच्छे ही है, जनरली अच्छे ही होते हैं। बाकी कुछ कुछ लोग होते हैं जो नीचे, मेरे साथ भी हुआ हुआ है बहुत ऐसा, नीचे दिखाने में भी होते हैं, हेटर्स तो होते ही है। आज हेटर्स नहीं होंगे तो हम लोग आगे, हाँ। तो एक मैं आपको एक वर्ड बोलूँगा, उसको सुनते हैं आपके माइंड में क्या आता है। बहुत खतरनाक पूछने वाला हूँ। माइकल जैक्सन। तो वो हमारे लिए एक भगवान ही है। धर्मेश सर। वो इंसान बहुत अच्छे हैं। गणेश आचार्य। गणेश आचार्य की कोरियोग्राफी मुझे बहुत अच्छी लगती है। रेमो डिसूज़ा का तो क्या ही बोलूँ, मतलब वो लोगों की लाइफ बना देते हैं, मतलब अगर उनका हाथ किसी पे आ गया तो समझो कि उनकी नज़र में आना बहुत बड़ी बात है, मतलब वो भी एक भगवान से कम नहीं है। बहुत लोगों के फ्यूचर, मतलब जैसे एग्जांपल धर्मेश्वर ही ले लो, आज वो कहाँ चाय बेचते थे एंड आज वो कहाँ बैठे हुए हैं, तो वो एक भगवान से कम नहीं है वो भी। सिंह ब्रदर्स भी एक बहुत ज़्यादा वर्ड हो गया, मतलब लाइक हमारी लाइफ में ये नाम हमेशा रहेगा, जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि ग्रुप नहीं था दो भाई। हम लोग इंडिविजुअली पर्सन ही थे, मतलब जो रवि था वो मेरा फ्रेंड भी है और हम साथ में करते भी थे डांस। तो हम डांस प्लस में आए और डांस प्लस में हमारा सिंक बहुत काफ़ी, हम कोई भी चीज़ करते थे ना तो ऐसा मिरर दिखता था ऐसा कि एक ही जन डांस कर रहा है ऐसा, हाँ। तो हमको वहाँ पे नाम मिला, उस शो से हमको नाम दिया, शक्ति मैम ने बोला था कि अगर आपका कुछ नाम हो तो सिंह ब्रदर्स नाम होना चाहिए आपका। तो तब से लेके लाइक वो एक नाम छप गया वहाँ पे। भार्गव डांस सेंटर एक लाइफ का ड्रीम था, मतलब मैं इतनी सारी अचीवमेंट करने के बाद, मेरा ऐसा कुछ था ही नहीं कभी कि मैं क्लास खोलूं पहले, बट बाद में मैंने सोचा कि बहुत लोगों ने ऐसा बोला मुझे कि तू अभी एक रियलिटी शो कर लिया ना अभी तो क्लास खोल दे ऐसा, बट मुझे ऐसा नहीं करना था। मुझे ऐसा था कि मैं मेरे ड्रीम पहले पूरे कर लूं, जो मुझे अचीव करना है वो सब कर लूं, उसके बाद मैं कुछ क्लास खोलूं ताकि मैं लोगों का फ्यूचर भी बना सकूं। क्योंकि आज मेरे पास कुछ भी नहीं होता, मैं कोई चीज़ें सीखता ही नहीं तो मैं दूसरों को क्या सिखाता ऐसा। तो मैंने पहले काफ़ी सीखा एंड अभी अभी मेरे को 2 साल हुए क्लास खोले हुए एंड काफ़ी सक्सेस पे और टच वुड मुझे अच्छा चल रहा है। डांस प्लस मैं क्या बोलूँ, डांस प्लस ही है वो नाम ही वैसा है, ये प्लस है, अपॉर्चुनिटी है। और डांस के पीछे पहले वो होता था खाली डांस, अब उसके पीछे प्लस लग गया और वो प्लस हम लोग हैं, तो वहाँ से हमको लगा कि हम डांस के साथ कुछ है हम लोग भी, तो वो हमेशा डांस प्लस तो सबसे ऊपर रहेगा हमारी लाइफ में। स्ट्रगल तो देखो यार, स्ट्रगल का तो क्या बोलूँ, स्ट्रगल तो आज मैं मुरा, मतलब लाइक मेरा ऐसा सोचता हूँ कभी कभी कि मैं पहले कैसा था अभी कहाँ हूँ ऐसा, तो स्ट्रगल तो हमेशा साथ रहता है, उसको भूलना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि अगर हमारा स्ट्रगल हम भूल जाते हैं कि हमने क्या किया है और हमारी इसमें जो चीज़ें हैं वहाँ पे गोल मिल गए और वही चीज़ करते रहे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये थिंकिंग माइंड में रहनी चाहिए कि जो हम लोग कैसे थे, हाँ
तो वो चीज़ अगर दिमाग में रहती है ना कि मैं पहले क्या था आज क्या हूँ, तब अपने को और होता है कि नहीं मुझे तो और जाना है आगे, ऐसा तो स्ट्रगल तो हमको ईगो में नहीं आने देती, कभी नहीं आने देती आज तक। मैं कभी भी जाता हूँ, मैं किसी से भी मिलता हूँ, मेरे को ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं कुछ सेलिब्रिटी हूँ या फिर मैं ऐसा कभी माइंड में थॉट भी नहीं आने देता। मैं बस नेचुरल घूमता हूँ, आज भी ऐसे जाता हूँ हर जगह पे, नेचुरल रहता हूँ। ऐसा नहीं कि इधर जाता हूँ तो मेरे को ये फैसिलिटी चाहिए वो, अगर सामने वाले दे रहे तो ठीक है, नहीं तो जैसे गया हूँ मैं ठीक हूँ वैसा। सो एक लास्ट क्वेश्चन, आपकी तरफ से जो आने वाले फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं जिनको डांस में जाना हो या तो अभी वो कर रहे हो, उनके आलस के कारण भी वो रुके हुए हो, तो आपके उनकी तरफ से सक्सेस का क्या संदेश है? देखो, सक्सेस का संदेश यही है कि अगर आप कोई चीज़ चूज करते हो तो पहले एकदम उसके लिए श्योर हो जाओ कि मुझे यही चीज़ करना है। वो चीज़ करने के बाद अगर आप सोच लेते हो कि मुझे डांस करना है, फिर आप उससे पीछे नहीं हटोगे, क्योंकि अगर आप 10 जगह भटकोगे ना तो आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपका एक माइंड सेट होना चाहिए, जैसे अपने गोल होता है, एक माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे यही करना है, चाहे वो मैं एक साल में करूँगा चाहे वो 10 साल के बाद होगा, ऐसा मुझे गिव अप नहीं करना है उस चीज़ के लिए। तो लोगों से मेरा यही कहने का मतलब है कि लाइक आप कभी गिव अप मत करो, जो चीज़ को पकड़ा है उसको हमेशा करते रहो, कंटिन्यू करते रहो। अगर आपको लगता है कि कहीं कहीं हमारा फ्यूचर इसमें नहीं बनने वाला है, तो लाइक आप वो मत सोचो कि गिव अप करके कुछ और करना है, आप साथ में कुछ करते रहो, ऐसा नहीं है। बट इस पे डिपेंड मत रहो। हाँ, बट डांस ऐसा है कि अगर आप डांस चूज करते हो तो आप अभी की सिचुएशन के हिसाब से सोचो कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, अभी का लेवल क्या है, तो आपको खुद को उस तरीके से बनाना है कि हमको ये लेवल को बीट करना है। हाँ, ऑडियंस को क्या चाहिए, अभी तक जो रियलिटी शो में आ गए हैं उनको देख के हमको और स्ट्रॉन्ग बनना है कि ये चीज़ तो हो गई बट मुझे अब क्या करना है। क्योंकि अगर आप सोच सकते हो इतना कि हाँ मुझे जाना है, तो आपके दिमाग में थॉट भी आते रहेंगे कि हाँ मैं ये करता हूँ, देन वो चीज़ के पीछे पढ़ना पड़ेगा, भले 6 महीना करो, 1 साल करो या फिर 3 साल करो, बट वो चीज़ फिर आपको आगे लेके जाती है। Okay, वैसा है ये आपका सक्सेसफुल। यस, सो थैंक यू सो मच आपका इतना कीमती समय देने के लिए। नहीं, नहीं, नहीं। और भी आप कुछ कहना चाहेंगे आपके क्लासेस के रिलेटेड? क्लासेस के रिलेटेड यही है कि मैं 2 साल से क्लास चला रहा हूँ। मेरे पास पहले लोग आते थे, मतलब जो डांस नहीं करते थे, मतलब थोड़ा बहुत आता था उनको डांस, एंड आज वो मेरे पास 5-6 स्टूडेंट्स काफ़ी ऐसे हैं जो काफ़ी सालों से जुड़े हैं, और उनके पेरेंट्स भी इतने सपोर्टिव हैं कि उनको ऐसा नहीं है कि बच्चा मेरे पास 2 साल से कर रहा है, बट 2 साल में पेरेंट्स देखते हैं कि मेरा बच्चा 2 साल में क्या सीखा है, प्रोग्रेस किया है। एंड आज मेरे सारे बच्चे जाते हैं कॉम्पिटिशन में, जीतते हैं, प्राइजेस आते हैं, बड़ी बड़ी कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, बैंगलोर, मुंबई, यहाँ वहाँ, और अभी तो काफ़ी रियलिटी शो में भी उनका सिलेक्शन हुआ है। एंड आगे मेरे क्लास में से आपको काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो आपको टीवी पे दिखेंगे। अच्छा, वैसा है। हाँ, और वो मेरा भी एक ड्रीम है, क्योंकि मैं काफ़ी जगह पे जाके आ चुका हूँ, देन अभी मैं मेरा 100% उनके पीछे लगा देता हूँ कि अब जो भी है मैं एक चेन बनाना चाहता हूँ ताकि मेरे आगे के फ्यूचर के लिए काम आए। वो चेन यही है कि मेरे क्लास से लाइक बच्चे को आगे बढ़ाऊँ, एंड वो भी वही चीज़ को आगे बढ़ाते रहे, तो हमारी एक चेन बनेगी, वैसा है। सो थैंक यू सो मच, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा, होप आपने भी एंजॉय किया। अरे मैंने बहुत लाइक मेरे इतने सारे इंटरव्यू हुए हैं और काफ़ी इंटरव्यूज दिए, लॉकडाउन में भी दिए, बट मेरा ये हमेशा से लाइक ऐसा था कि प्रॉपर इंटरव्यू जो हुआ है वो एक आज हुआ है, एंड काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ। हाँ, दिल से बोला है, बहुत सारी चीज़ें बोली है, एंड अच्छा लगा, क्योंकि कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं किसी के सामने निकलती नहीं है, बट आपके सामने निकल गई वो सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच। और आपके अगर आपको डांस क्लास अगर ज्वाइन करना हो, मैंने इंस्टाग्राम की इनकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और साथ ही साथ मैंने यूट्यूब की भी दे दी है, ये डांस वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब पे भी डालते हैं और इंस्टाग्राम पे भी डालते हैं, इनको कॉन्टैक्ट करना हो। और थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।